दोस्तों वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन, आप सभी का स्वागत है। मैं अभिजीत शिंदे, हम लोग आज यहाँ पे अलवीर मार्केट में ऑनियन पार्किंग में है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों कंटेनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ऑनियन के, और दुबई मार्केट का क्या हाल है हम जानेंगे कि एक हमारे यहाँ पे भाई साहब है जो एक्सपोर्टर है इंडिया से, तो हम लोग उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे आजकल क्या चल रहा है। तो सर वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन, प्लीज इंट्रोड्यूस योर नेम, योर कंपनी, आप क्या करते हैं। मायसेल्फ जीशान शेख, my company name was transfer impact 21 and my arbab name was masoom ali niazi from india only। to yahan pe bhi hamara shop se yahan pe hamara containers aate hai jo bahut sare logo ke paas jate hai। ye around 3 to 4 years se hamara ye business chalu hai yahan pe। Achha. continue pe hai ye। okay shuruaat kab ki aapne? shuruaat to hamara aise ki hum log india mein hi the, hum log jo boss hai hamare masoom ali niazi unka pehle se hai onion export import ka bahut। Okay. और उसके बाद हमने दुबई में 4 इयर्स आना चालू किया। okay, तो अब वो कंपनी इतनी बड़ी है, काफी अच्छा काम कर रही है, काफी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है जी। तो 3-4 साल से बिजनेस में, तो यहाँ पे आने की जरूरत क्या पड़ी आपको, मतलब उस कंपनी को किसी को भेजने की जरूरत क्या पड़ी? जैसे इंडिया में है, इंडिया में अपना शॉप से, तो वहाँ पे जैसे हमारे सेल्समैन रहते हैं सब रहते हैं, वैसे अदर कंट्री में भी हमारा होना चाहिए, ब्रांचेस होना चाहिए आपको लगता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये कि एक्सपांड होते हैं और कंपनी के नाम्स भी होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि दुबई है और पास की जैसी कंट्री में बोला जाएगा कि बहरीन है, सऊदी है, तो यहाँ भी हमारा बढ़ना चाहिए, नेटवर्क बढ़ता है। तो उसमें क्या इंडिया का भी नाम होता है right। कि इंडिया से हम ये फलाना जैसे मुंबई शहर से है तो ये कंपनी यहाँ पे गई हुई है वैसा। करेक्ट। तो मतलब जो एक्सपोर्टर्स है उनको सिर्फ इंडिया से नहीं लेकिन दुबई में या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जाके और अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए जी, सो दैट बाकी नेटवर्क भी बढ़े और मोर नॉलेज गेन भी होता है इसमें। ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह पे स्टक होके बैठे, राइट, हमें और भी जरा गेनिंग और नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है, राइट। तो एक साल में आपने यहाँ पे आके बैठे आप, तो आपने क्या बदलाव परिवर्तन आया आपकी कंपनी में, मतलब सेल बढ़ा कि क्या हुआ? सेल्स का मतलब ऐसा है कि ज्यादा तो क्लियर आउट कर नहीं सकते हम, पर इतना है कि जैसे हम इंडिया में हैं वैसे हम दुबई में भी है। okay। लेकिन दुबई का ऐसा है कि हम थोड़ा एक्सपांड में हैं। okay। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर्स भी आते हैं, सेल भी होता है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे हमारे कंपटीशन बहुत है। okay। इंडिया में अपना कंपटीशन कोई नहीं है। okay। इंडिया में इज लाइक अ नॉर्मल लोकल सिटी ऑल देयर इज अ कॉम्पिटिटर। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अदर कंट्रीज है तो उनके भी आते हैं ऑनियंस, वो भी हमारे कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। okay। हमें न्यू चेहरा देखने मिलता है, न्यू भाषा, न्यू लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और डेली बेसिस पे हम लोग को नए लोग से ना डेली मिलना पड़ता है। ये नहीं कि आपको एक ही जन हर साल मिले, ये अराउंड मिलना चालू हो जाएगा पूरी तरह से। आपका मंथली क्या वॉल्यूम होता है कंटेनर सेल? वन डे वन कंटेनर करते हैं। ओके। और एल्स वीकली भी कर लेते हैं कभी। okay। वैसे पर हम लोग कैसे कि बेसिस में कमिंग चालू है। okay। मतलब डे बाय डे कंटेनर्स आते हैं। अच्छा। इंडिया से। okay। तो 3 वेसल्स में ऑब्वियसली हम लोग के 10-15 ऐसे आते ही कंटेनर, तो 3 वेसल में मतलब वीकली 10-15 होते ही है। जी जी। तो आपको लगता है कि अब जो छोटे एक्सपोर्टर्स है ना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन जो हम लोग है, तो हम लोग के पास नए एक्सपोर्टर्स आते हैं जिनको काम शुरू करना है या अर्ली स्टेज एक्सपोर्टर्स है, तो उनको काफी दिक्कतें आती है। एक तो प्राइसिंग मैच करने में, उसके बाद लॉजिस्टिक्स में, और यहाँ का मार्केट में बड़े लोगों के साथ जैसे कि आप लोग आपके साथ कम्पीट करने में, तो आपको क्या लगता है उनको क्या चीजें करनी चाहिए? फर्स्ट यू हैव टू कम दिस कंट्री। ओके। देन यू हैव टू टाई अप्स मोर लाइक मी एंड अदर्स एक्सपोर्टर्स आल्सो। ओके। ओके। सो आपको कैसा रहेगा कि आप जानोगे मार्केट रेट, कोई यूजुअली एक मार्केट रेट नहीं है जो आपको 1 वीक एक पर, जैसा फॉर एग्जाम्पल 2 दिरहम है, 1 दिरहम है। ओके। तो एक मार्केट रेट नहीं है, इट्स लाइक अ डेली चेंजेस मार्केट, राइट? डेली मार्केट इट विल गो अप आल्सो, इट विल गो डाउन आल्सो। ओके। सो यू नेवर डिपेंड्स ऑन वन थिंग। Okay. Basically in your mindset that on Monday my sale was containers around 1 dirham. So not you are thinking that the whole week it's a 1 dirham only. Every day it will be different. Every day it will be the difference only. So you have to focus on that. So मेरा basically बोलना ये है कि आप यहाँ पे आओ, survey करो, you have to grab the customer, grab the dealer also. So you can choose while you're talking to someone else over here na, so you can do understand that what person the kind of thinking of that. Okay. So it's in basically in the UAE only and basically on India also. Okay. तो आप यहाँ पे as a sales person है उस कंपनी को represent करते हैं। जी। तो आप जैसे कितने लोग यहाँ पे कंपनी के आपके? यहाँ पे हम लोग 2 जन हैं। 2 जी। तो रोज क्या काम करते हैं फिर? मेरा basically रोज काम ये है कि मुझे यहाँ पे market actually पहले obviously early in the morning आना पड़ता है। हाँ। Around 6 o'clock। 6 o'clock। फिर आके पहले तो market survey करो। मार्केट में क्या रेट ओपन होता है। ओके। पहले वो देखो। हाँ। कि मार्केट में क्या रेट ओपन हो रहा है। ओके। उसके बाद हमें वो देखना है कि
जो मेरी तरीके से लाइक माय ऑनियन सेम ऑनियन और किसी के पास है क्या, क्वालिटी कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ। फिर वो क्या रेट बेच रहा है और मार्केट क्या ओपन हुआ है, वो हिसाब से हमको कंपटीशन खेलना पड़ता है। अच्छा, ग्रेट। तो दिस इज व्हाट इट इज, मतलब आपको तो सबसे पहले ओपन होने से पहले अपना कंटेनर ओपन करने से पहले मार्केट का सर्वे कर लेना चाहिए कि मार्केट में कितने कंटेनर्स है, क्या साइज है, पुणे से कितने, नासिक से कितने, नगर से कितने, क्वालिटी क्या है और वो क्या रेट ऑफर कर रहे हैं, और उसके बाद आप आपका कंटेनर खोलेंगे बेसिकली एंड देन यू विल डिमांड द प्राइस। डिमांड द प्राइस, राइट। अब जो भारत का प्राइस है अभी ऑनियन का जो चल रहा है, वो अभी आपने यहाँ पे कंटेनर आया तो आपका कॉस्टिंग वगैरह क्या हो रहा है, मतलब भारत में आपने क्या प्राइस में खरीदा होगा ऑनियन? साइज मैटर्स मेन थिंग है, 1555। ओके, 50-55 प्लस आपको चाहिए, 50 प्लस एमएम द साइज मैटर, दिस इज द साइज मैटर, यस दिस वन ओनली। सो जो इंडिया में है, अलग अलग स्टेट अलग अलग सिटीज में ना रेट्स अलग है, कोई अलग है, जैसे कोई 11 कॉस्टिंग कर रहा है, कोई 12 कर रहा है, कोई 13, कोई 14 है, पर यहाँ पे पहुंचे तक समझ लो कॉस्टिंग भी आप 14 प्लस करके ही चलना चाहिए उसको, सो अराउंड 22-21 सारे बाकी खर्चे पकड़ते होंगे आपके। जी जी जी, वो हम लोग फ्रेट कंपनी को दे देते हो। ओके, फ्रेट कंपनी को दे दिया, कंपनी को दे देते। तो यहाँ का खर्चा क्या क्या दिखते हैं आप, यहाँ पे क्या क्या खर्चा दिखते हैं? यहाँ पे हम लोग तो खाली सेलिंग का, ये पार्किंग का खर्चा है, सेलिंग का है, और यहाँ पे जो जैसे अपने इंडिया में लेबर्स कॉस्ट होता है हम लोग को वो देखना, यहाँ पे वैट भी होगा, वैट भी है ना, तो ये सारा खर्चा निकाल के फिर आप। जी जी जी। अब यहाँ पे आप लोग बाकी लोग कमीशन को किसी को दे रहे 5%, तो यहाँ पे आप कैसे बेचते? तो 5% जो हम लोग बाकी लोग को दे रहे हैं, तो जैसे अभी ये सेल होता है 1+ में या फिर 1-10 में, तो उसका जो 5% होता है वो हम उसमें से देते हैं। ओके, पूरा उसका लिस्ट निकालते हैं अकाउंटेंट से, फिर उसमें देते हैं हम लोग। ओके, तो नहीं, बट यू आर आल्सो ऑफरिंग इट टू समवन टू सेल एट 5% कमीशन, कि आप खुद सेल करोगे यहां पे? नहीं नहीं, आई ऑफर टू ऑल ऑफ यू दैट 5% कमीशन में सेल करो, इससे ये होता है कि आप जब फर्स्ट मार्केट में आते हो तो आपको मालूम पड़े कि यहाँ पे कस्टमर कैसे है, यहाँ पे कस्टमर का टाइप कैसा है, यहाँ का पेमेंट साइकिल कैसा है। जब आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा तो आप खुद से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली स्टार्टिंग बेस जो रहेगा तो आप 5% से करो, फिर आपको बेसिकली आप यहाँ सेइंग कि आपकी कंपनी खुद कंटेनर बेच के आप खुद यहाँ पे सेल करते हो, तो आपके कमीशन तो बचता है वो 5%। एंड यू आर ऑफरिंग, हम लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर इनकेस वॉल्यूम हाई हो जाए कंटेनर्स का तो हम अदर कंपनी को, दूसरी कंपनी को भी देते हैं, तो वो निगोशिएट कितना परसेंट है क्या है, और आप ऑफर करो कि फेडरेशन के लोगों की आपके साथ 5% कमीशन पे काम हो सकता है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट योर कंपनी, मतलब पर कंटेनर को आप प्रॉफिट में ही निकालने की कोशिश करते हैं या वो पॉसिबल होता है आपको? नहीं, ये चीज जो माइंडसेट है कि आप प्रॉफिट ही देखो, तो ऐसा है नहीं। ओके, आपके अगर 10 कंटेनर आ रहे हो तो 10 लॉस में भी जाते हैं, और अगर 10 वॉल्यूम में आ रहे हो तो वो प्रॉफिट में भी जा रहे हैं। ओके, पर आप बेसिकली ये देखो, बिकॉज इट्स लाइक अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, यू नेवर थिंक दैट इट्स ऑलरेडी अ प्रॉफिट ओनली। ओके, नेवर थिंक। Okay. 6 months you just mindset it's loss only, but okay. you can gain it up. Okay. एक कंटेनर आपको सेल करके देगा लॉस में, तो 2 कंटेनर आपको पिछले कंटेनर का प्रॉफिट निकाल के भी दे सकता है। इट्स लाइक अ डेली बेसिस, राइट? नहीं, बट ये बड़ी कंपनीज ये कर सकती है, तो छोटे एक्सपोर्ट का बहुत चैलेंज आता ना इसमें। छोटे एक्सपोर्ट्स का मेरा बोलना ये है आपको कि जो छोटे एक्सपोर्ट है तो वो जो 5% पे देते हैं, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले भी बताया कि पहले आप मार्केट सर्वे करो, आप देखो मार्केट क्या है, रेट ओपन क्या हो रहा है, तो आप उसके ऊपर ग्रैब कर सकते हो। okay. तो छोटे जो एक्सपोर्टर है तो उन लोग एक दिमाग में रहता है, नहीं अगर मार्केट है भाई 1 dirham है तो मैं 110-115 कोट करूं, तो मेरे को 1 तो एज यूजुअली मार्केट में हो रहा है, बल्कि मेरी कॉस्टिंग अगर कम है तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर स्टार्टिंग बेस में अगर पुशअप करना हो तो आप 5% से स्टार्ट करो पुशअप में, डायरेक्टली आप आओगे तो यू मे बी द लॉस। ओके, फाइन। तो आप यू आर सेइंग कि अच्छे पार्टनर्स होने चाहिए यहाँ पे, और उनके थ्रू सेल करना इज बेटर ऑप्शन। बेसिकली इंडिया एंड यूएई, देयर मोस्ट ऑफ दिस ओवर हियर लाइक अरबाब एंड ऑल, सो दे ऑल आर नाइस, आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे यहाँ पे, आपसे यू ट्रीट लाइक अ फैमिली ओनली। ओके, ओवर हियर राइट, वॉट एवर द एक्सपोर्टर ओवर हियर ना, दे ट्रीट लाइक अ फैमिली ओनली। ओके, तो वो कुछ इशू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, यू आर सेइंग सराउंडिंग बहुत अच्छा है। राइट, जो कॉस्टिंग होता है लोडिंग का या जो परचेसिंग है, आपका इतना बल्क काम है, मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे परचेसिंग भी करते होंगे, तो वहाँ पे भी आप बचाते होंगे पैसा। उसके बाद आप एक वेसल पे 3-3, 4-4 कंटेनर, 5-5 कंटेनर चला रहे, तो वहाँ पे भी बचाते होंगे पैसा। में इसमें क्या है कि जो इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर इंडिया में जैसे कि हम क्रेडिट पे भी ले सकते हैं माल, अगर इफ यू फैमिलियर विथ योर फार्मर्स
योर एक्सपोर्टर योर कोल्ड स्टोरेज इफ यू आर वेरी बेस्ट द फैमिलियर सो यू कैन परचेस इन क्रेडिट आल्सो ओके तो आप करते होंगे वो या राइट वी डू दिस इज व्हाट इट इज बिजनेस में ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसा को इन्वेस्टमेंट खुद को करना है शुरुआत में ठीक है बट बाद में ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपको कोई आपके सप्लायर क्रेडिट पे माल दे आप वो मार्केट में बेचे और पैसा लेके आप उनको दे तो बड़े लोग ये क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं मार्केट में और फिर अपना बड़ा वॉल्यूम कर पाते नहीं तो फिर खुद के पैसे से इतने कंटिन्यूस करना पॉसिबल नहीं होता possible तो ये रोटेशंस की बात है ना तो आपने जैसे 30% एडवांस भी ले सकते हैं कभी कभी आप कस्टमर से देखे बेसिकली इन एडवांस ही होता है उसमें हाफ पेमेंट एडवांस हाफ पेमेंट आफ्टर सेल तो आप ऐसा परचेसिंग करते हो तो सी द बिग एक्सपोर्टर्स व्हाट दे आर डूइंग कि 50% एडवांस दे दिया 50% क्रेडिट ले लिया यहाँ पे मटेरियल लाया मार्केट में बेचा और उनके बाकी पैसे दे दिए तो दैट्स हाउ दे आर मेकिंग इट अ बिग वॉल्यूम तो आपने इंडिया में आपका खुद का पैकिंग हाउस या पैकिंग हाउस है इंडिया में आपका कहाँ पे है वाशी में है वाशी में है तो आप बेसिकली नासिक से या पुणे से फ्रॉम देयर नासिक एंड पुणे ओके ओके देन कम टू इन आवर वेयरहाउस ओके देयर पैकिंग ओके देन आफ्टर तो आपका सारा ऑनियन का पैकिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग पैकिंग जो भी है वो वाशी में होता है वाशी में होता है वेयरहाउस दिस इज व्हाट इट इज मतलब जो काफी लोगों को ये पता नहीं होता है क्योंकि अगर आपको बड़ा काम करना है तो एक प्रोडक्ट में काम करना पड़ेगा उसमें माहिर होना पड़ेगा मास्टर होना पड़ेगा देन सारे ऑपरेशंस में आप काफी अच्छा कॉस्ट बचा पाओगे एंड फिर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे अभी आप देखिए यहाँ पे तो ये मतलब काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से परचेस करके खुद के फैसिलिटी में पैक किया अब खुद के फैसिलिटी में पैक करने का ये फायदा है कि उनका क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी का साइज का वेरिएशन देखिए आप तो दिस इज अ वेरी गुड ऑनियन आई वुड से तो वेरिएशन नहीं है इसमें मतलब काफी 55 प्लस ही है It's अगर like आप देखेंगे तो है ना plus, ये देखिए तो हमने कल भी आपने कुछ कंटेनर देखे होंगे फेडरेशन के या दूसरे किसी कस्टमर्स के तो उसमें 40 वाला भी ओनियन था मतलब मिक्स था मतलब कुछ लोगों ने पुणे के मार्केट से ऐसी बोरी मिलती है 50 किलो की वही लाके यहाँ पे मार्केट में खड़ी की है और दे आर एक्सपेक्टिंग की बिग प्रॉफिट इन दैट तो शायद एक्सपोर्टर को लगता है कि ये चल जाता है या उसका सप्लायर बोलता था कि सर चल जाता है मैंने अच्छा माल दिया है लेकिन वो बहुत मिक्स माल था तो बड़े एक्सपोर्टर जो मार्केट में खड़े हैं और अपने लोग यहाँ पे उन्हें खड़े रखे आप देख सकते हैं कि उनका क्वालिटी ये मैटर करता है और ये इसी है कि खुद का काम उनके आंखों के सामने होता है आपका तो है। सारा आपकी वापस सुपरवाइजर लोडिंग होता है वहां से फोटोज आता है हमें और जब यहाँ पे उतरता है तब हम ये फोटो और वो फोटो मैच करते हैं आप देख सकते हो ये जो कंटेनर है मेरा यहाँ पे It's like a very high value. Same, एक साइज के मिलेंगे आपको। एक साइज का पूरा अगर वो देखेंगे आप तो पूरा बैग या पूरे बैग में भरा हुआ है। चाहे तो ये भी निकाल के देख सकते हो जैसे ये है ये भी एक ही साइज का है एक साइज का ओनियन है पूरा फुल है। बड़े साइज का अगर आप देखेंगे तो है ना क्वालिटी देखिए पत्ती देखिए सारा है ना साइज देखिए तो ये फर्क है तो छोटे एक्सपोर्टर को हमने देखा कि उनसे काफी गलतियां होती है जो सप्लायर है सभी अच्छा काम नहीं करते हैं नासिक से भी या पुणे से भी देखे हमने काफी सारे कंटेनर तो उसमें क्वालिटी का इश्यू साइज का इश्यू काफी काफी आता है तो ये अगर आपको अवॉइड करना है बड़ा काम करना है तो आई थिंक इस तरह आपके आपके आंखों के सामने सारा काम होना चाहिए क्वालिटी पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर आप क्या शो करते हो दुनिया को राइट अगर ये भाई जैसे कि इफ इन केस दिस इज अ शाइनिंग प्रोडक्ट ओके राइट इफ यू सी ओवर हियर दुबई मार्केट इफ आई सेल दिस Around 2 dirham, 3 dirham. Right. Most of the public buy. If I put like this, my patti nikal ke pura jaise ki, like this. Yeah, अगर मैं ऐसा बेचूं, हाँ, कोई buy नहीं करेगा मैं सही है. इसका rate कम हो जाएगा. इसका rate कितना rate का फर्क पड़ सकता है इसमें? Around. अगर ले चाहिए अगर 1 dirham है तो ये 1 dirham है तो इसका कितना मिलेगा? It's around 30 to 25 pils down. 25 pils, 30 pils down. Because it's not a size also, and it's आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा ओनियन होने से मतलब पत्ती कम होने से भी 30% 25 to 30 फिल्स मतलब इतना रेट कम पड़ सकता है तो वो बहुत ज्यादा उसमें लॉस हो सकता है लॉस मतलब नुकसान है बेसिकली तो आप स्टॉक भी करते हैं इंडिया में ऑनियन जी हमारा कितना मेट्रिक टन करते हैं आप अराउंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम 60 टन आपके पास उतना होता ही है जी जी 60 like a 30 to 60 tons और अगर लॉस में जाता है कभी मार्केट तो 5 to 10% बिलो इसके नीचे नहीं जाता ज्यादा नहीं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फार्मर को पैसा दे पा रहे हो पर अपना जो फ्राइड से लेके अराइवल तक का वो आप लॉस में रह रहे हो बराबर तो बेसिकली ये मेंटेन एक ही है
करेक्ट यस यस ओके तो आपको अभी आपके कंपनी का या आपका नेक्स्ट प्लान क्या है व्हाट फ्यूचर यू सी हियर व्हाट फ्यूचर इज बेसिकली हमें तो यहाँ पे अभी मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग हो गए यहाँ पे सेटल चैलेंजेस बहुत है हमारे इधर अच्छा अभी भी चैलेंज है क्योंकि अदर कंट्रीज के भी आते हैं तुर्की है येमन है फिर इजिप्ट है मिस्र है इन लोग के भी आते हैं तो हम लोग को चैलेंजेस बहुत है यहाँ पे अच्छा फिर यहाँ से जब लोडिंग्स होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया बंद भी होता है ओके फॉर 10 डेज 21 मंथ ऑल्सो इंडिया बंद भी होता है बंद होता है क्योंकि अदर कंट्री के वॉल्यूम हाई हो जाता है तो वो हिसाब से थिंकिंग रखना पड़ता है कि हमें कि हमको उस टाइम पे अदर कंट्री जाके बेचना है या इधर एक महीने के लिए स्टॉप करना है अच्छा मेन चीज इसमें चैलेंज होता है और ये करीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर में आता है ओके बाकी होल पीरियड में नहीं आता उसमें अभी तो फिलहाल 2 ईयर से आया नहीं है आफ्टर कोविड ओके तो हमें बेसिकली स्टेबल है हम लोग तो अभी आप सिर्फ दुबई में बेचते हैं तो अभी आप हम लोग अभी अलवीर मार्केट में ऑनियन पार्किंग में खड़े तो आप सारे कंटेनर्स ऐसे ही बेचते हैं या डायरेक्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी है आपके पास डायरेक्ट बायर्स भी है नहीं नहीं डायरेक्ट बायर्स है लेकिन उनको यहाँ पे आना है क्योंकि आफ्टर पोर्ट द कंटेनर कम इन द अलवीर मार्केट यही से मटेरियल देख के खरीदी होती है उनके परचेस तो यहाँ पे सारा काम कैश एंड कैरी में होता है कि क्रेडिट पे भी होता है नो 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 इट्स थ्री प्रोडक्ट कैश क्रेडिट चेक ओके थ्री द बिलिंग साइकिल इज अराउंड 15 टू 20 डेज ओके मतलब आगे से पैसा आने के लिए 15 टू 20 मोस्ट ऑफ द टाइम अगर न्यू एक्सपोर्टर्स है कोई है तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट्स है कि यहाँ पे कैश भी होता है कि आप यू बाय दिस कंटेनर इन इवनिंग यू गो एंड कलेक्ट द कैश आपने ऐसे बायर्स यहाँ पे ढूंढे हैं मतलब आपने खुद ने यहाँ पे है पर कुछ सिचुएशन की वजह से अगर मार्केट लो वॉल्यूम पे चलती है तो हमें ऑब्वियसली 15 टू 20 डेज रुकना पड़ता है उसी क्रेडिट वी हैव टू वेट ओवर देयर बट यहाँ पे आपको भी पेमेंट के चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे यस बहुत चैलेंजेस आते हैं पेमेंट ये है कि अगर हम किसी को माल देते हैं फॉर एग्जाम्पल इन कमीशन फॉर एग्जाम्पल अस ऑल्सो तो हम जिसको देते हैं ना तो हमको उसको वॉच तो करना पड़ता है बिकॉज वी आर न्यू ओवर हियर हमारे इंडिया में भी होता है भाई लेके जाओ मिले नहीं कभी गायब हो जाए पर यहाँ पे कार्ड ढूंढेंगे हम ओके तो वो बहुत चैलेंजेस है तो उस हिसाब से हमारे पास सेल्समैन है हमारे पास लेबर्स है तो हम यहाँ पे जितने अलग अलग कंपनीज है तो हम उनसे टाइप कर चुके हैं बात कर चुके हैं तो उससे हमको गाइड मिल जाता है कि भाई अगर आप दे रहे हो तो बेसिकली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द मनी राइट ना फिर आप कुछ सिक्योरिटी लेते हो चेक्स या बाकी कुछ या आप उनका कुछ बैकग्राउंड है या शॉप से ऐसा कुछ देखते हो आप वी सी द शॉप्स आपका भाई यहां पे शॉप है इनका यहां पे रेडी फॉर एग्जांपल मेरा कंटेनर सेल हुआ अराउंड 4 नंबर 5 नंबर आई गो ओवर देयर आई सी द शॉप ओके आई सी माय ऑनियन ओवर देयर एंड इवनिंग एंड नाइट आई जस्ट कलेक्ट माय ओके तो वहां से आप कलेक्ट करते हैं यही आपका डेली साइकिल होता है तो आप डेली बाय सेल करके डेली कलेक्शन भी करते हैं डेली कलेक्शन भी होता है 15 डेज होता है 10 डेज भी होता है जैसा भी आपका रोटेशन जैसे भी रोटेशन है वैसा ओके तो आप सारा कैश कलेक्ट करके अब यहाँ पे आपका कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ पे आपका यहाँ पे भी कंपनी है मतलब आपका इंडिया में भी कंपनी है यहाँ पे कंपनी है ट्रांसफर नेम का तो फिर आप ये सारा यहाँ पे सेलिंग करके यू कलेक्ट द कैश यू डिपॉजिट इन योर कंपनी तो ये सारे कंटेनर जो आते हैं ये सारे आपकी कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड होते हैं तो वो एक चैलेंज कभी कभी आता है कि भाई कंटेनर कंपनी के नाम पे तो जो सारे खर्चे है वो सारे रियलिस्टिकली कम करके आप मार्केट में खड़े रहेंगे क्योंकि सब कुछ दूसरों को देंगे सेल करने के लिए तो 5% प्लस अराउंड 3% यू कैन एडिट बाकी एक्सपेंसेस 8% एक्सपेंसेस आपको है यहाँ पे मार्केट में ना उस हिसाब से आपको प्रॉफिट वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर वो अकाउंटेंट से फिर वो समझना फिर रेट क्या बिका है बाइंग रेट क्या है वो सब कैलकुलेशन करके आपको बेटर राइट तो आपको अभी आपने यहाँ पे सेलिंग आप कर रहे हो जैसे कि होलसेलिंग ही है बट आपने फिर आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं गए इतना अगर आपका बड़ा काम है तो व्हाई डोंट यू डायरेक्टली सेल इट टू द सुपरमार्केट्स और व्हाई डोंट यू डिस्ट्रीब्यूट द ऑनियन टू स्मॉल रिटेलर्स और शॉप्स मैंने ट्राई किया हूँ लेकिन द थिंग इज दैट यहाँ पे हमारे पास छपरा टाइप जैसे हमारे इधर वेयर हाउस बोला जाएगा तो यहाँ पे वो नहीं है यहाँ पे हम सॉर्टेड नहीं कर सकते यहाँ पे हमारा डायरेक्ट पैकिंग आ रहा है और जो यहाँ पे सुपर मार्केट है वेरी हाइजीनिक सो उन लोग को बेसिकली अगर दे से वी वॉन्ट 3 kg पैकिंग वी वॉन्ट 18 kg वी वॉन्ट We want 20 kg. Basically, यहाँ पे जो छपरे यहाँ पे लोग सॉर्ट आउट होता है ऑनियन और एक एक साइज का एक एक मटेरियल का एक एक पैकिंग होके फिर उसको रैप करके यहाँ पे ग्रोसरीज में जाता है. तो वी कांट प्रोवाइड ऑफ दिस ओके व्हाई कांट बट अगर वो फैसिलिटी यहाँ पे अगर मिलती है यहाँ पे अगर मिलती है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन फिर जो हम बाइंग है यहाँ पे सेलिंग है हमारे उसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे को कॉस्ट बढ़ जाएगा उसके अंदर दूसरा हमको सॉर्टिंग करने का लेबर हो गया फिर हमारी पैकिंग हो गई और हमारे एक एक साइज का जो उनको देना है वो और उनका पेमेंट साइकिल क्या है वो भी तो मैंने उन लोग करीबन
फॉर एग्जाम्पल 1 month, 2 month, 3 month क्रेडिट वो भी तो है, क्रेडिट देते हो बिकॉज लाइक अ ग्रोसरी स्टोर। आप ये नहीं बोल सकते आप मॉर्निंग में इवनिंग में कैश ले रहे हो, राइट? यहाँ पे वो नहीं चलता है। ओके, दे लाइक अ पीरियड टाइम, राइट? तो अलग अलग बिजनेस मॉडल से बेसिकली यहाँ का होलसेलिंग का मॉडल है कि भाई कंटेनर बेचो शाम को या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर पैसा जमा कर लो। अगर आप आगे जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको 1 महीना, 2 महीने तक भी क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट ऑफर करना पड़ेगा। तो ये दूसरे लोग यहाँ पे वो काम करते हैं, बट हमें दिखता है कि अगर इंडिया से ऑनियन आता है तो जैसे कि अभी आज यहाँ पे 80 फिल्स 1 दिरहम का रेट चल रहा है, कितना रेट चल रहा है आज? तो यहाँ पे 80 फिल्स का, 80 फिल्स का रेट चल रहा है, ऊपर नहीं है। लेट्स से हमने देखा है कि इंडिया से जब यहाँ पे आता है ऑनियन तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट में अगर 1 दिरहम चल रहा है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है छोटे से ये लेते हैं, ये 1.5 दिरहम में आगे बेचते होंगे, और सुपर मार्केट में जब जाता है तो 2 से 2.5 दिरहम में मार्केट में पर केजी बिकता है। तो हमें लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा मार्जिन है, ऐसा हमें लगता है। यहाँ पे मतलब यहाँ से आने के बाद आगे का जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन का एंड कंज्यूमर तक पहुंचने का, उसमें काफी मार्जिन है, ऐसा दिख रहा है ओवरऑल? नहीं, मार्जिन दिख रहा है, लेकिन मसला ये है ना उसके अंदर कि आपको सिर्फ मार्जिन दिख रहा है, आप उसकी कॉस्टिंग देख रहे हो ना, बॉक्स पैकिंग से लेके लेबर से लेके क्वालिटी पैकिंग और विद डिलीवर्ड टू ग्रोसरी स्टोर, आपको ये कॉस्टिंग नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ मार्जिन दिख रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 80 फिल्स में लेते हो तो आप सामने क्या करोगे, 85 कोट करना पड़ेगा आपको, पर आपका बाइंग तो जो इंडिया का है वो आपको जमेगा नहीं, प्लस आप एक रुपए एक दिरहम जड़ाओ कि आपकी पैकिंग के हिसाब से आपकी क्वालिटी आपके लेबर प्लस आप ग्रोसरी को डिलीवर्ड कर रहे हो एट दैट पॉइंट, तो ये अब 1 दिरहम में जा रहा है जबकि आपका वो वैल्यू है नहीं। अच्छा, वैसा नहीं होगा यहाँ पे जो है कम प्रोडक्ट्स बाय करते हैं लोग, वो लोग सॉर्टिंग करते हैं, वो लोग अपनी पैकिंग खुद की बनाते हैं, यहाँ पे वेरी डिफरेंट कंपनी है जो ग्रोसरी को डिलीवर करते हैं। तो आप थोड़ा सा री एक्सपोर्ट पे भी काम करते हैं आप, लोडिंग मतलब आगे दूसरे कंट्रीज के लिए? नहीं, अभी तो फिलहाल के नहीं, लेकिन हम लोग वाया थ्रू करते हैं, मतलब किसी के थ्रू देते हैं, किसी दूसरे लोगों को देते हैं, बट यू नेवर एक्सप्लोर अदर मार्केट यार, नो नो, है ना? तो आगे प्लान है कुछ वैसा कुछ? जी जरूर, आगे प्लान है। ओके, तो बेसिकली ये कि जैसे भी ये मार्केट है इसमें यहाँ पे मैं हूँ, तो आई नो द कस्टमर, आई नो द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर ऑल्सो, राइट? सो अदर कंट्री में भी मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पे हम मिलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा उनसे, वैसा है। ओके, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर penetrating new market like this? I'm very well confident because it's like experience around 5 years in India also, over here exactly also. That's what I think we need more such professional people ki jo yahan aake khud time deke time invest karke market mein baithe hai, market samajh rahe aur updated ho raha hai, aur usme se fir kaam karke they could progress further. See, bahar se rehke expect karna ki bhai container bhej diya loss mein gaya wo nahi chal raha, wo nahi chal raha, and ye agar ji capability badhegi agar bhartiya logo ki aise aise hamari nayi peedhi naye yuva yahan pe agar aayenge तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके वो दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि दुबई बहुत आसान है ये सब सीखने के लिए। इट्स लाइक अ मेजर कैपिटल हब, हब हो गया ये पूरा, राइट? इट्स लाइक अ हब ओनली। ओके, तो दैट्स व्हाट फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ऑनियन का इतना बड़ा वॉल्यूम है ना, इतने कंटेनर्स ये हर महीने यहाँ पे आके बेच रहे, तो लोग मार्केट में खड़े हैं, जिनका प्रोडक्ट है वो खुद मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे भी कंपनी है, और यहाँ से सेफ ट्रेड बेसिकली वो कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ दैट, इट मस्ट बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तभी तो ये बिजनेस चल रहा है। तो आपको भी इसी तरह से सोचना चाहिए, ऐसे ही अच्छे लोगों से काम, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी दुबई में कितना वॉल्यूम है ऑनियन का, और आगे और वॉल्यूम की जरूरत है यहाँ पे? जी हाँ, बेसिकली बहुत ज्यादा, क्योंकि पास में आप देखा जाए तो अबू धाबी है, शारजा भी है, मुसफिल है, तो वहाँ पे भी मार्केट है, पर ये वॉल्यूम की मार्केट नहीं है, इट्स लाइक अ नॉर्मल रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, राइट? इट्स लाइक अ स्मॉल क्वांटिटी, राइट? सो जो माल यहाँ से जाता है तो मतलब ये मेजर हब हो गया अपने, वो तो हो गया, सो वी कैन ग्रैब दैट मोर सिटी आल्सो, दैट मार्केट आल्सो, अदर सिटीज भी आप जा सकते हो, ऐसा बोल रहे आप, तो वहाँ पे मतलब ज्यादा वॉल्यूम हो तो बेसिकली दुबई इट्स लाइक पब्लिक ऑल ओवर वर्ल्ड से आती है, टूर्स के लिए आती है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी होटल्स है, राइट? रिजॉर्ट्स, होटल्स एंड ऑल, सो वहाँ पे ऑब्वियसली द ऑनियन The product is like never ending. सब प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, पर ऑनियन इज लाइक अ मेजर थिंग ना, राइट? इफ यू ईटिंग फूड, राइट? सो ये कभी बंद नहीं होगा। तो नहीं, फिर आपके कंपनी के हिसाब से बात कर रहे हो कि ज्यादा वॉल्यूम आप कर सकते हैं, कि आप ओवरऑल इंडिया के हिसाब से? इंडिया के हिसाब से बता रहे हो, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप दुबई में ही भेज रहे हो, थिंकिंग ये भाई हम दुबई में बेचे माल बिक रहा है, हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा भाई, फिर कुछ तो मतलब थोड़ा नीचे पर वो मत देखो ना, आप ये देखो कि कंट्री है, जैसा इंडिया भी कंट्री है, इंडिया में 99% होटल्स है, स्मॉल स्केल से लेके बिग स्केल तक है, वहाँ पे ऑब्वियसली ऑनियन लगता है, तो आप ये थिंकिंग रखो कि दुबई भी मेजर है, हब है, तो यहाँ पे भी ऑनियन ही लगता है, सेम अदर कंट्री जैसा है, होटल्स एंड ऑल एवरीथिंग, तो पहले स्टडी करो कि हाउ ग्रोसरी, हाउ होटल्स इज देयर, तो वो हिसाब से वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकते हो ऑनियन का यहाँ पे।
आपकी कंपनी के जो फाउंडर है वो कहाँ पे बैठते हैं? वो हम यहाँ पे ही बैठते हैं, पर अभी बेसिकली वो बॉम्बे में है। अच्छा, जहाँ बैठ के काम करते हो? जी जी, वहाँ से भी करते, यहाँ से भी करते, वो अराउंड अप डाउन करते रहते हैं वो। ओके, उनका वैसा है। करेक्ट, तो वो सिर्फ इसी बिजनेस में है ऑनियन के? जी जी जी, इसी बिजनेस में, इसी वो उनका में। बहुत पहले से उनका वही, जैसे इंडिया में हमारा बेसिकली वही था, ऑनियंस पोटैटोस एंड गार्लिक्स का। ओके, डोमेस्टिक ट्रेड भी होता है? डोमेस्टिक ट्रेड भी होता है हमारा। ओके, और उसमें से एक्सपोर्ट का ये लाइन? जी जी, या तो आप देख सकते हैं कि लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, मालिक और जो इंडिया में है हमारा वही ट्रांसफर इंपैक्ट्स N21, और यहाँ पे भी वही नाम है हमारा। ओके, सेम। ग्रेट ग्रेट, तो आपको लगता है कि अगर फेडरेशन के जो नए एक्सपोर्टर्स है हमारे, जी जी, वो भी काफी, हम लोग काफी लोगों से साथ टाइप करते हैं कि उनको ऑनियन कंटेनर देते बैठने के लिए, तो यू कैन आल्सो सेल आवर कंटेनर? यस यस, श्योर, ऑफ कोर्स, ऑन द टर्म्स वी कैन नेगोशिएट देम, ऑफ कोर्स। या ऑफ कोर्स, फेडरेशन के काफी लोग हैं जो करना चाहते हैं काम, तो ये भी हमारे लिए ऑप्शन है। वी विल शेयर द कांटेक्ट डिटेल्स। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द फेडरेशन एक्चुअली। या एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट अभी वी सी दैट मार्केट इज ह्यूज फॉर ऑल अस, ऑल ऑफ अस इंडियंस। मतलब अगर हम लोग कोलैबोरेशन में काम करेंगे, इफ यू कुड कनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स, देन वी विल मेक गुड बिजनेस टुगेदर। ये अकेले का काम नहीं है अभी एक्सपोर्ट, मतलब सारा लेके फार्म से लेके प्याज लाना करना, इन्वेस्टमेंट करना, बेसिकली वी हैव टू नीड अ यूनिटी ओवर हियर। राइट राइट, द थिंग इज दैट। करेक्ट, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो अभी आप इम्पोर्टर है, तो आगे जो हमें दिखता है कि जो ज्यादा करके छोटे ब्रोकर्स है, वो ज्यादा करके पाकिस्तान से या बांग्लादेश से है ना? तो इंडिया से भी है? इंडिया से भी है, तो इससे कुछ, इसमें कुछ फर्क होता है? मतलब अगर इंडियंस इसमें ज्यादा आएंगे तो बेटर प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बिकॉज दुबई इज लाइक अ हब एंड वी ट्रीट लाइक अ फैमिली ओवर हियर। राइट, जितने भी ब्रोकर्स है ना, भले से मैं बोलूंगा मैं इंडिया से हूँ, वो पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश से, लेकिन यहाँ पे आके कभी ऐसा हुआ नहीं। नहीं हुआ, लाइक अ फैमिली। राइट, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, एवरीवन इज ट्राइंग टू सर्वाइव हियर एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक गुड बिजनेस एंड हेल्प अदर्स आल्सो। यस, ओके, ग्रेट। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। सो वी सॉ अ बिग सक्सेस स्टोरी टुडे। I wish you a success to your company also. Okay. Sometime we will meet your founder also. Okay. और आप सभी को भी ना शुभकामना है कि फेडरेशन के साथ जुड़िए। If you want to start your import export business, just join hands with federation. Keep watching, keep learning, keep following us. Thank you all.